दोस्तों हार्दिक पांड्या ने बचाया बाबर आजम का बैंड तो दंग रह गया पूरा हिंदुस्तान। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए सबसे रोमांचक मैच में दुनिया के नंबर वन वनडे प्लेयर बाबर आजम का हार्दिक पांड्या ने सूपड़ा साफ कर दिया। बाबर आजम के विकेट लेने के लिए हर गेंदबाज प्रयास करता है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अलग अंदाज से गेंदबाजी करते हुए सबसे बड़ा विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। तो आखिरकार कैसे हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम को अपनी गेंदबाजी के सामने चारों खाने चित किया, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बाबर आजम और विराट कोहली में से कौन है सबसे खतरनाक बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, एशिया कप के अंदर भारत और पाकिस्तान का सबसे रोमांचक मैच श्रीलंका के कोलंबो में प्रेमदास क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को हैरान कर दिया। इस दौरान भारतीय टीम के सभी बल्लेबाजों ने बेहतरीन पारी खेली, जहाँ पर रोहित और गिल ने अपना अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं केएल राहुल और कोहली ने अपना अपना शतक पूरा किया, जिसके चलते 50 ओवर में भारतीय टीम ने 356 रन दो विकेट के नुकसान पर बना दिया। हालांकि इसका पीछा करने के लिए जैसे ही पाकिस्तान की टीम मैदान पर आई, तो पाकिस्तान की टीम दिक्कत का सामना करती हुई दिखाई दी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। इस दौरान इमामुल हक 9 रन पर पवेलियन को लौट गए, जिसके बाद बाबर आजम आए। ऐसे में कप्तान बाबर आजम ने टीम को संभाल लिया। हालांकि इस मैच में भारत को अगर कोई खिलाड़ी हरा सकता था, तो बाबर आजम उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे, क्योंकि बाबर आजम इस समय वनडे रैंकिंग के नंबर वन बल्लेबाज है। ऐसे में इनका विकेट लेने के लिए मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसी बीच 43 रन के स्कोर पर भारत को दूसरी सफलता मिल गई, जहां पर कप्तान बाबर आजम का सबसे बड़ा विकेट भारत के हाथ में लग गया। हालांकि बाबर आजम का सबसे बड़ा विकेट जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने नहीं, बल्कि भारतीय टीम के ऑलराउंडर और उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने ले लिया। दरअसल हार्दिक पांड्या ने 11 ओवर में अपना पहला ओवर करते हुए इन स्विंगर गेंद पर कप्तान बाबर आजम को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बाबर आजम के साथ पूरा भारतीय क्रिकेट दंग रह गया और भारतीय टीम को सबसे महत्वपूर्ण सफलता भारतीय टीम के महान ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने दिला दी और भारत को खुश होने का मौका भी दिया। तो दोस्तों, बाबर आजम के विकेट लेने वाली गेंद डालने पर हार्दिक पांड्या को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।